ये समय है 1050 का, जब कुछ वाइकिंग्स लूटपाट मचाने एक नॉर्मैंडी लैंड पर पहुंच गए। यहाँ इन्होंने इन मॉन्क्स यानी सन्यासी लोगों पर काफी अत्याचार किए। इन्होंने एक दरवाजा भी देखा जिसको खोलने के लिए ये सन्यासी मना कर रहे थे, लेकिन वाइकिंग्स ने सोने चांदी के लालच में वो दरवाजा खोल दिया। कमरे में अंदर सोना चांदी तो नहीं, लेकिन ये भेड़िए का बच्चा मिला। वाइकिंग्स इस बच्चे को लेके अपनी शिप पर चल दिए, लेकिन जब वो शिप वापस आई तो उसमें थी बस उन वाइकिंग्स की लाशें। कहानी फिर पलटी और 1000 साल आगे आई, जहां हमें दिखाया गया थैली और उसकी छोटी बहन जेनी को। थैली को जोनस का मैसेज आया जो उसे बुला रहा था। थैली ने चुपके से फ्रिज में से रेडबुल निकाल के बैग में डाल ली, और तब हमें पता चला कि उसकी छोटी बहन जेनी बोल नहीं सकती। ये भी पता चला कि आर्थर उनका स्टेप डैड है, जिसकी वजह से थैली उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। अब थैली रेडबुल का डिब्बा लेके निकल ही रही थी कि बीच में उसकी माँ लिव भी मिली। थैली ने कह दिया कि आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, इसलिए मैं लेट हो जाऊंगी। ये कहकर वो अपनी एटलस लेके निकल गई। अब थैली जोनस से मिली, जिस पर हम समझ गए कि हाँ, इस बंदे को तो रेडबुल की बहुत जरूरत है भाई। थैली और जोनस बात करने लगे, तब पता चला कि थैली इस शहर में न्यू आई है, और इसको देखकर बाकी लोग इसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ ये एलिन नाम की लड़की जोनस से बात करने उसे कोने में ले गई, और ये गांधी जी के चार बंदर फिर से थैली का मजाक बनाने लगे, इसलिए वो उठकर जंगल की तरफ चली गई, जहाँ उसने देखा कि एलिन जोनस से कह रही थी कि आखिर इस पार्टी में किसको उठा लाए हो, वो भी बिना मुझसे पूछे। अब ये बात थैली ने सुन ली थी, उसे बुरा लगा, लेकिन एकदम उसने देखा कि किसी ने एलिन पर हमला किया है। थैली उसको पकड़कर ले जाने लगी, और ये रेडबुल तो साइड में ही पड़ा था, लेकिन तभी उसके भी कंधे पर किसी ने हमला किया और एलिन को तो जंगल में ही खींच लिया। पुलिस के आते ही हमने देखा कि थैली की माँ लिव पुलिस में है। यहाँ एंडरसन ने लिव को बताया कि एक लड़की लापता है और उसके साथ वाली लड़की आपकी ही बेटी है। लिव भाग के थैली से बात करने आई, लेकिन थैली सदमे में थी, और तभी एंडरसन ने लिव को बुलाया, जहां एलिन का फोन और एक नाखून था। अगली सुबह फिर से लिव ने थैली से पूछा कि आखिर जंगल में कौन सी एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी। थैली का फिर वही सुंदर जवाब कि मैंने कुछ नहीं देखा, बस वहां काफी अंधेरा था। उसके बाद ये माँ बेटी कार में थे, और जब थैली ने पूछा कि आप उसको मिस करती हो, लिव सोचने लगी कि आखिर कौन से वाले की बात कर रही है। तब उसने पूछा कि किसकी बात कर रही हो। थैली को गुस्सा आया और वो वहां से चुपचाप चली गई। यहाँ लिव को रिसर्च करते वक्त पता चला कि वो नाखून किसी भेड़िये का हो सकता है। उसने चाहा कि अभी ही शिकारियों का झुंड फॉरेस्ट में भेज दिया जाए, लेकिन एंडरसन ने कहा कि जंगल में जाने के लिए पहले हमें ऊपर से परमिशन लेनी होगी। अगली सुबह लिव को खबर लग गई कि एलिन की बॉडी मिल चुकी है। जब वो उसकी बॉडी देखने गई तो डॉक्टर ने बताया कि इसको बहुत घसीटा गया, साथ ही इसके जगह जगह का मांस गायब है, जगह जगह नाखून भी लगे हुए हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये जरूर किसी भेड़िये का काम है। यहाँ बाहर बेचारी एलिन की माँ का रो रो के बुरा हाल था। दूसरे सीन में थैली उसी जंगल के पास गई जहाँ वो कांड हुआ था। वहाँ उसे एलिन आवाज देकर बुला रही थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन ये क्या, वो तो खुद गायब हो गई। असल में ये थैली की इल्यूजन थी। उसी रात चुपके से एक ताऊ हॉस्पिटल में घुसे और जाके एलिन की लाश चेक करने लगे। फिर सुबह होते ही पुलिस स्टेशन में पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना नाम ब्रॉडिन बताया। यहां उन्होंने लिव से बात की और बताया, मैं एलिन के बारे में जानता हूं। उसे किसी नॉर्मल भेड़िये ने नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ ने मारा है, जो इंसानों के खून का प्यासा है, और हमें ये ब्लड लाइन तोड़नी होगी वरना वो सबको मार देगा। लिव ने कहा कि यहाँ एक लड़की की मौत हो गई और आप यहाँ सुबह सुबह देसी पी के ज्ञान दे रहे हो। ये सुन के ब्रॉडिन खड़ा हुआ और एक सिल्वर बुलेट निकाल के लिव को दे दी, साथ ही एक बुलेट उसने लिव के कोट में भी डाल दी और वहां से चला गया। यहाँ ये दोनों कैफे में चिली पोटैटो खा रहे थे, और जब थैली वहां से निकली तो फिर इन गांधी जी के चार बंदरों ने थैली का मजाक बनाना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा कि तुम्हारे कंधे का घाव तुम्हें कब तक इन्फेक्ट करेगा, कब तक तुम एक वुल्फ बन जाओगी। ये सुन के वो घर आई और सीधा बाथरूम में घुस गई, जहाँ वो उस घाव को देख कर रोने लगी। लिव वहाँ आई लेकिन जिद्दी बच्चों की तरह थैली ने उसे कुछ नहीं बताया और जाके सो गई। अगले दिन स्टेशन में एक डॉक्टर विलियम आया, जिसने बताया कि हाँ ये घाव एक भेड़िए का ही है और किसी बड़े भेड़िए का। एंडरसन ने जल्दी से ऊपर से ऑर्डर लिए और भैया ये तो चौधरी बनकर पहुंच गए उस भेड़िए का शिकार करने। यहाँ क्लास में थैली को अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी और वो डर के वहां से भाग गई। यहाँ ये सभी जंगल में पहुंचे, जहाँ इन दो नमूनों को तो यहीं छोड़ दिया कि तुम यहाँ का इलाका संभाल लेना, इसको देखो। अरे भाई कौन से सदमे में है तू। यहाँ वॉशरूम में थैली को किसी के रोने की आवाज आई, उसने गेट खोला तो देखा एलिन रो रही है, लेकिन बूम यहाँ तो कोई नहीं है। ये सभी जंगल में डरते हुए पहुंच गए, सबकी हवा टाइट थी इसलिए लिव ही हिम्मत करके अंदर घुसी। उतरते हुए वो एकदम से गिर गई और किस पर गिरी दिखाऊं? देखो। वहीं इन दोनों को किसी की आवाज आई, इन्होंने देखा तो तब तक तो इनका कांड हो चुका था। उनके चिल्लाने की आवाज यहाँ इन सबको आ गई थी। ये वहाँ भागते कि उससे पहले ही वो यहाँ आ गया और इन सब की पोम पोम बजा दी। यहाँ लिव ऊपर आ रही थी कि देखा वो डर के नीचे गिर गई, जिसकी वजह से कुछ टूटने की आवाज आई। यहाँ वो वुल्फ नीचे आ गया और लिव उस पर शूट करने लगी, लेकिन मजाल है कि उस भेड़िए का कुछ हो जाए और तभी उस भेड़िए ने लिव पर हमला कर दिया। सीन शिफ्ट हुआ जहां लिव को देखने से लगा कि वो यमराज के साथ है, लेकिन नहीं, वो तो डॉक्टर के साथ थी। अब वो कैसे बची आगे देखते हैं। रात को जेनी ने देखा कि थैली नींद में चल के पेड़ के पास पहुंच गई है। वो थैली के पास गई और अपने मन में बोली कि दीदी चलो अंदर, रात को पीपल के पेड़ पर हल्के नहीं होते। अब सुबह लिव विलियम के पास पहुंची, जिसने बताया कि तुम्हारी किसी बुलेट का वुल्फ पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन एक सिल्वर बुलेट से वो भेड़िया मर गया। ये सुन के लिव चौंक गई और जल्दी से विलियम के साथ ब्रॉडिन से मिलने पहुंची। यहाँ ब्रॉडिन चिल्लम फूंकते हुए बोला, क्या हुआ, अब कैसे इस देसी की याद आ गई। लिव बोली कि अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ आपने कैसे ये वेयरवुल्फ के बारे में इतना ज्ञान का सागर भर रखा है। जब ब्रॉडिन ने बताया कि शुरू से ही जानवरों की ताकत इंसान ने खुद में लाने की कोशिश की है और उसी एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये खूंखार भेड़िया निकल के सामने आया, जो किसी को काट ले तो उसे अपने जैसा बना देता है, इसलिए हमें ये ब्लड लाइन को तोड़ना ही होगा। यहाँ थैली को रेडबुल का मैसेज आया कि मिलना चाहती हो। थैली चुपचाप रेडबुल से मिलने गई, जहाँ उसने उससे पूछा कि आज स्कूल में क्या हुआ था, एकदम से क्यों भाग गई थी। थैली का वही जवाब, पता नहीं क्या हुआ एकदम से। तभी जोनस को उसके पापा का कॉल आया और वो वहाँ से उठकर बात करने चला गया और यहाँ ये थैली एक भेड़िए में बदलने लगी। जैसे ही जोनस आया उसने उसे मार दिया। जब सुबह थैली को होश आया तो उसने देखा कि जोनस की फिंगर उसके मुंह में थी। वो बहुत डर गई और उस कांड वाली जगह को देखने लगी, जहाँ लिव जोनस की बॉडी भिजवा रही थी। थैली उन सबको छोड़ के वहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए वो एक बस में बैठकर निकल गई। लेकिन फिर से अमावस्या की रात में थैली एक भेड़िए में बदल गई और उसने बस में सब पर हमला शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बस बीच में पलट गई। यहाँ लिव को भी बस की खबर लगी तो वो उस रास्ते जाने लगी, जहाँ उसने देखा कि बस में थैली की वॉच पड़ी थी और वो समझ गई कि उस वुल्फ के नाखून का इन्फेक्शन उसकी बेटी में फैल चुका है। यहाँ ये वुल्फ अपने घर आ गई। जेनी ने मिरर में देखा कि ये वुल्फ ठीक उसके पीछे है और वो उसकी आंखों से समझ गई कि ये थैली ही है। लेकिन तभी आर्थर ने आके उस वुल्फ पर पीछे से हमला किया और जेनी को लेके भाग गया। भागते हुए उसके हाथ में चोट भी लग गई, लेकिन फिर भी वो जैनी को लेके कार में भाग गया, जिसकी वजह से आगे जाके उनके कार का एक्सीडेंट हो गया। वुल्फ उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गई और पहले तो उसने वहां आए लोगों पर हमला कर दिया और ये जैनी अपनी बहन को देखने आई,
जेनी उस वॉल्व से साइन लैंग्वेज में बात करने लगी कि मुझे पता है तुम मेरी बहन हो। उसे देखकर वॉल्व शांत हो गई और यहाँ विलियम और लिव भी पहुंच गए थे। विलियम ने उस पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट कर दिया और जेनी को लेके वहां से भागने लगा। वो एक शॉप में घुस गए जिसके बाहर वो वुल्फ अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तभी एंट्री हुई द चिलम ताऊ ब्रॉडिन की, जिसने गाड़ी से वहां हमला किया और सब तहस नहस करने के बाद भी वुल्फ ने ब्रॉडिन को मार दिया और फिर अगली शिकार लिव पर अटैक किया। लिव खुद को बचा रही थी कि तभी जेनी ने उस वुल्फ के पीठ में एक इंजेक्शन और घोप दिया, जिसके बाद वो एकदम से शांत पड़ गई। अगली सुबह उस वुल्फ को हॉस्पिटल में लेटा रखा था। लिव को ऑर्डर थे कि उसे उस वुल्फ को शूट करना है। उसने वुल्फ पर गन तान दी और सीन शिफ्ट हुआ जहां वो अपने घर आई और उसने अपनी बेटी की फोटो के आगे वही सिल्वर बुलेट रखी। मतलब कि जहां तक है उसने अपनी बेटी मतलब उस वुल्फ को नहीं मारा। आपको क्या लगता है कि उसने उस वुल्फ को मारा होगा या नहीं? यही था हमारी कहानी का एंड दोस्तों। कहानी कैसी लगी वीडियो को लाइक कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।